हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी फ्रॉस्टी सी हॉट कॉफ़ी बना रहे हैं। तो अब आपको किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही मज़े की क्रीमी सी हॉट कॉफ़ी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कॉफ़ी, जो कि आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैं नेस्कैफे की यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए चीनी, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है, मैंने इसको पीसा हुआ नहीं है। दूध है 2 कप और मग जिसमें हमने इसको व्हिप करना है। तो सबसे पहले मैं जो है वो कॉफ़ी ले रही हूँ। मैं 2 टेबल स्पून कॉफ़ी जो है वो लूँगी। तो आपने कॉफ़ी और चीनी की क्वांटिटी का जो है वो हिसाब रखना है। 2 टेबलस्पून कॉफ़ी के लिए 3 टेबलस्पून शुगर जो है वो परफेक्ट मेजरिंग है, अगर आप सेम इसी तरह कॉफ़ी बनाएंगे तो आपकी कॉफ़ी भी सेम मेरी तरह क्रीमी और फ्रॉस्टी सी बनेगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हॉट वाटर जो है वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही क्रीमी और फ्रॉस्टी जो है वो आपकी कॉफ़ी बनेगी। जैसे जैसे हम इसको जो है वो मिक्स करते जाएंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा और ये क्रीमी और फ्रॉस्टी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। देखें, इसका कलर जो है लाइट होना शुरू हो गया है। इसको आपने मुसलसल जो है वो 3 से 4 मिनट मिक्स करेंगे तो आपकी जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी का मिक्सचर जो है वो बहुत ही क्रीमी और फ्रॉस्टी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, बहुत ही फ्लफी सा हो गया है और बहुत ही लाइट वेट हो गया है। अब हम 1/2 लीटर दूध को एक कैटन में डालकर बॉयल होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको कॉफ़ी और चीनी के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो देखें, दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो हम अब चूल्हा बंद कर देते हैं और कैटल को उतार लेते हैं। अब हम कॉफ़ी को रेडी करते हैं। तो 1 कप कॉफ़ी के लिए हम 2 टेबलस्पून कॉफ़ी और चीनी का मिक्सचर जो है वो ऐड करेंगे। अगर आपको तेज़ वाली कॉफ़ी चाहिए तो आप इसमें 3 टेबलस्पून मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। इतने मिक्सचर से हमारे 3 से 4 कप जो है वो कॉफ़ी आसानी से बन जाएगी। अगर आपने मग में रेडी करनी हो तो आपके जो है वो ईज़िली 2 मग जो हैं वो कॉफ़ी के बन जाएंगे। देखें, इसका टेक्सचर जो है वो कितना ही क्रीमी और फ्लफी सा है। अब हम इसमें हॉट मिल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड कर देंगे। तो देखें, हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर जो है वो इतना फ्लफी और क्रीमी सा बना था कि बिल्कुल जैसे हमने इसमें मिल्क ऐड किया है तो इतना लाइट वेट और फ्लफी होने की वजह से वो दूध की ऊपर वाली तह में आ गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद भी ये कॉफ़ी इसी तरह क्रीमी और फ्रॉस्टी सी रहेगी और रियली बहुत ही मज़े की बनी थी। खूबसूरती के लिए आप इसके ऊपर कोको पाउडर या कॉफ़ी पाउडर जो है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट करते हैं, ये रियली बहुत ही मज़े की बनी थी। तो चलें, आप भी बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। तो चलें, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।